दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है रीट शिक्षक भर्ती के लेवल फर्स्ट का स्कोर कार्ड जारी करने को लेकर दोस्तों आपके कितने नंबर आए हैं आप अपने नंबर कैसे चेक कर सकते हो दोस्तों फाइनल कट ऑफ ब रिजल्ट को लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रीट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए स्कोर कार्ड चेक करने के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है इस पर जाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको लेवल फर्स्ट की दोस्तों ऑफिशियली जो लिंक है वो प्रोवाइड हो जाएगी इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ा वेट कर लेना है और यहाँ पर आप दे सकते हो दोस्तों लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन दिख जाता है तो प्रिंट रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है प्रिंट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर डिटेल मांग देनी है तो यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम टाइप है उसमें आपको एग्जाम में मेंस एग्जाम चूज कर लेना है यहाँ पर मेंस एग्जाम इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज करनी है दोस्तों जिसमें आपको मंथ ईयर और इसके अलावा डेट आपको दे है इसके बाद जो कैप्चा आपको दे रखा है ये सेम टू सेम कैप्चा इस भर देना है गेट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल देने के बाद आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर सकते हो जिन छात्रों का सलेक्शन नहीं हो पाया है दोस्तों वो अपना चेक कर सकते हैं कि उतने वो कितने नंबर से रह रहे हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पाँच जून से स्टार्ट होने वाली है और चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर पहले आप कार्यालय निदेशक माध्यम शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि लेवल फर्स्ट के एक से पाँचवीं तक के जो एग्जाम हुआ है दोस्तों अध्यापक शिक्षा भर्ती है उसके दस्तावेज सत्यापन की जांच को लेकर आगामी कार्रवाई हेतु लेकर देखो सभी यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है जिसमें स्कूल शिक्षा अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसके अलावा मुख्य निदेशक सचिव इन सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा और बीसी के माध्यम से बैठक ली जाएगी इसके बाद आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रहेगी कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों बात कर लेते हैं देखिए अगर सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपके एक सौ चौरानवे से एक सौ छियानवे नंबर यहाँ पर होने चाहिए तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि फाइनल कट ऑफ इतनी जाने वाली है ओ बी सी में एक सौ इक्यासी एक सौ तिरासी ईडब्ल्यू एस में एक सौ इकत्तर से एक सौ तिहत्तर एम बी सी में एक सौ छत्तर से एक सौ अठहत्तर और एस सी कैटेगरी में एक सौ इकसठ से एक सौ तिरसठ और एस टी में एक सौ छालीस से एक सौ अड़तालीस आपकी कट ऑफ जाने वाली है तो ये जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों क्योंकि सीटों के दोनों छात्रों को पास किया गया है तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ेगी स्कोर कार्ड आ चुका है इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा दोस्तों सभी छात्रों को क्योंकि जिन छात्रों का रिजल्ट आया उनको भी अपने नंबर एक्जैक्ट नहीं बताया कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं मेरिट से कितने ऊपर नंबर हैं तो अब क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आपका फाइनल में सलेक्शन होगा या नहीं होगा तो ये जो कटॉप है एक्सपेक्टेड ऑफ है इसमें दो से तीन अंक कम ज्यादा ही रहेगी बराबर इसके बराबर ही ऑफ आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो को शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जय हिंद बंदे मातरम